बड़े बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बिग थैंक यू, प्लीज कम इन, कम इन दिस है तो वी नेवर टू आल्सो प्लीज कम इन अभी तो किसी ने आपने धीरे-धीरे फिर बहुत ही सुरीला, बहुत ही मधुर, बहुत ही सोल, बहुत ही सुकून के साथ बातें कर रहे हैं। और जैसे कि लास्ट में हम सबने देखा कि जो संदेश आपने देना चाहा है गुरु देव ने, और हर आदमी की जिंदगी का वो एक बहुत ही अभिन्न अंग है जो आपने पेश करना चाहा कि चाहे जो भी रिश्ते नाते हम अपनी जिंदगी में निभाते हैं, सबसे पहला जो धर्म है हमारा वो है अपनी भारत माता की रक्षा करना। और जब भी हमें शहर से, जब भी हमें कहीं से भी कॉल आए, मैं कैसे भी मैसेज करें कि आपको अपनी कंट्री की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले उसकी रक्षा, सबसे पहले हम उसको दर्जा देते हैं, सबसे पहले उसकी मदद देनी है। और साथ ही साथ में आपके सारे इमोशंस, जितने इमोशंस आपने ऐसा दे रहे हैं और डाले हैं, वट एवर इमोशन यू पुट इन द सॉन्ग, द मेलोडी, द लिरिक्स, आई थिंक इट डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। और यार बहुत कम है कि मेरे जो आप पहली बार सुनो और आपको याद रह जाए, तो मुझे जवाब कर कि मैंने दो सेकंड पहले सुना और अभी उसके बाद इतना खूबसूरत म्यूजिक वीडियो दिया thanks by the team which you bring, especially at this tough time which we all see every day in this world. Picturize करना और उसके ऊपर आज के दिन यहाँ पर इतने अच्छे लोग मेहमान आ रहे हैं। Thank you very much. राजू जी आप ही बताइए थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में और उसके बाद हम लोग अपना समापन करते हैं। Kuru and the artist Rui, please come here. Rui, Gareva, Agreva, please come. Gareva. Cameraman Hitesh, Cameraman Europe Hitesh, Europe. अरे हमारे एचआर जी हमारे कहाँ है? एक नंबर. आओ ना कुछ आओ, आवाज आ जा. भाई एक नंबर भाई. और हमारे एडिटर नाम है सोहेल. सोहेल भाई. सोहेल भाई. हितेश भाई. आए. आगे. अभी गंडा जी आइए और अभी इस वक्त इधर ज्यादा बैठ जाओ पीछे चलो यार पीछे पीछे जा रहे हैं ना पीछे जाओ पीछे सब लोग ए भैया प्रणव पीछे जा पीछे अब बैठो 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 पीछे हो जाओ यार पीछे हो जाओ आप लोग मेरे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ 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 थोड़ा थोड़ा पीछे हो Tambe, my darling, Tambe. Thank you. Hello, darling. Thank you. Ijaz. Ijaz, बताएंगे अभी थोड़ा सा उनको ये म्यूजिक कैसा लगा? और क्या ढंग नहीं यार? यार म्यूजिक बहुत अच्छा है, इमोशंस बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो आर्मी वाले होते हैं, जो हमारे लिए क्या-क्या नहीं करते, देश की सेवा करते हैं, हम लोगों की हिफाजत करते हैं, और उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है हमारी तरह जो हम भूल जाते हैं, और वो देख के आई फेल्ट रियली के वो कैसे इस तरह से अपनी नई मतलब दुल्हन को छोड़ के देश की सेवा के लिए जाते हैं। और शबाना मैम और राजू जी ने तो मतलब लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और लड़के ने भी अच्छा किया है, मैं होता तो और अच्छा करता तो मैम ने धूप में खड़े रहने के लोगों से काम करवाया है, बहुत मेहनती है, और सरोज खान को खोल के ये पी गए, तो सरोज जी के बाहर अगर किसी को मैं मानता हूं तो मैं मैम को मानता हूं शबाना मैम। और मतलब मेहनत में एक एक्सप्रेशन भी अगर
सांस का भी हो तो लड़की को बोलते क्या सांस नहीं आती कभी फीलिंग नहीं है क्या तू इधर घूम मैं अकेला ऐसे करके मतलब तुम इतना बेइज्जत करेंगे तुमको एक्टिंग करनी पड़ेगी तो बहुत टैलेंटेड है राजू शबाना जी म्यूजिक भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी सिंगिंग है आपकी और बस यही कहूंगा कि आई विश ऑल द लक टू दिस म्यूजिक वीडियो एंड ऐसे ही म्यूजिक वीडियो बनाते रहो एंड यू नो आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस एक नंबर एक नंबर थैंक यू सो मच गाइस I think when we have the unveiling of our music album. Aman, please, ma'am. Madam, please. पलटी प्लीज चलो चलो पलटी पलटी चलो भाई हेलो 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 एक मिनट भाई एक मिनट ये सामने सामने सर सर सामने ये सर सामने अच्छा लग गया मैम सामने यहाँ पे इस तरफ सर सर मैम सामने यहाँ पे सर मैम हाँ इधर नीना जी नीना भाई नीना भाई मेरे भाई नाम भाई लव यू यार थैंक यू सर आई लव यू शाम को मिलते हैं फिर हाँ सर मेरा सामने चाहते हो सर अरे सजी सजी एक पड़े हाँ यस सामने सर के मैं जिंदगी में अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलता हूँ और राजू शबाना जो कोरियोग्राफर और डायरेक्टर है वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उनके साथ मैंने बहुत काम किया है उनके साथ गाने सीखे हैं मैंने डांस सीखा है तो आज उनको मेरी ज़रूरत है तो मुझे 100% आना ही है और मैं यहाँ पे हूँ और आई विश ऑल द लक टू देम बहुत अच्छा गाना बनाए और बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट लिया है जो हमारे देश के आर्मी वाले हमारे लिए इतना कुछ करते हैं हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं और उनके पास आपने देखा खाना तक नहीं है अभी एक नया वीडियो चला मैं देश के प्रधानमंत्री को यही कहना चाहूँगा कि सर ये सरासर नाइंसाफ़ी है उनके साथ और हमें सबको भी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं किसी ने चार रोटियाँ निकाल के वहाँ नहीं भेजी हाँ लंदन तक अचार भेज देंगे कनाडा तक वो भेज देंगे यहाँ के गुलाब जामुन यहाँ की चीज़ें भेज देंगे लेकिन ये कश्मीर के एंड तक कोई नहीं भेजता है तो ये बड़ी दुख की बात है और इस वीडियो में भी वही दिखाया गया है कि अपनी नई शादी अपनी सब कुछ वो छोड़ के वो अपनी देश की सेवा के लिए उनको मैसेज आ गया कि रिपोर्ट राइट ना हो तो मेरे यारो के हम सब ना हिंदुस्तान को अपनी जेब में रखते हैं और ये आर्मी वाले हिंदुस्तान को अपने दिल में रखते हैं तो रिस्पेक्ट देम इनसे सबूत ना मांगा करो इनकी इज्जत किया करो और इनको जहां भी देखो सैल्यूट किया करो ओके एजाज उसके अलावा बिग बॉस की अगर बात करूं बिग बॉस के घर में बहुत हलचल है और बाबा जैसे लोगों का दूसरी भाई मैं आप लोगों को एक बात का वादा करता हूं बाबा मुझे जहां भी दिखा लोग तो बोलते हैं लेकिन आप तो जानते हैं मैं जो बोलता हूं वो करता हूं जहां मुझे बाबा दिख गया उसकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसके कान के नीचे ऐसी बजाऊंगा ना कि तीन कलर का पसीना निकलेगा लाल पीला और नीला और बाबा हो जाएगा नीचे से गीला ये मेरा वादा है तुम लोगों को ओके वो बाबा ने और अलग अनफंड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखो क्या है यार मैं ये कहता हूँ कि यार जो भी लोग जितने भी लोग बिग बॉस के घर में हैं सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि औरत की डिसरिस्पेक्ट और यार इतना गिरी हुई हरकत करने के बाद मतलब यार ये बहुत गिरा हुआ इंसान है मतलब कहीं ना कहीं एजाज भाई ये जो
सामने आया, जो वीडियो सामने आया पेशाब फेंकने का, लोगों को छिड़कने का, तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस का ये प्लानिंग था, और इससे कहीं ना कहीं बिग बॉस का, देखो एक बात बताऊं, ग्राफ जो है हाँ, वो नीचे, वो मेरे बाद ग्राफ गिरता ही जा रहा है बिग बॉस का, वो छोड़ दो तो वो छोड़ दो, वो गिरता ही जाएगा। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जो जो होता है वही दिखता है। तो जो भी आपको बाहर आके ये बोलता है ना कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, ऐसा दिखाया मैं तो, ये नहीं हूं, जो जैसा होता है वैसा ही वो लोग दिखाते हैं 24 घंटे के अंदर। मैं सबसे बड़ी बात ये कर दूं कि अगर स्वामी ने ऐसा किया तो घर के अंदर वो, मेरे को मनवीर और मन्नू से बड़ा दुख हो गया, कसम खुदा की मैं होता मैं कान के नीचे दो बजाता। और ये देखा है आप लोगों ने, जब भी मैं हक के लिए लड़ाऊं, मैं अरमान कोहली से भी, सोफिया के लिए जब सोफिया को उसने मारा था मैं उससे लड़ा था, गौहर के लिए भी लड़ा, कामिया के लिए भी और प्रत्युषा के लिए भी लड़ा। तो अगर अंदर मर्द लोग है और एक ये स्वामी ऐसा करता है, उसको उल्टा लटका के बांध दो, बाथरूम में बंद कर दो उसको, हाथ पैर बांध के। ओके, आखिरी सवाल आपसे, अगर वाइल्ड कार्ड के थ्रू आपको एंट्री दी जाए और बाबा को भी बुलाया जाए इस सीजन में, तो क्या आप जाएंगे और जवाबी कार्रवाई क्या होगा फिर वहां पे? सी देखो, बाबा को तो मैं ऐसे बाहर भी देख लूंगा, लेकिन फॉर बिग बॉस यार आई एम नॉट गोना गो फॉर लिटिल, यू नो मेरी प्राइस थोड़ी सी हाई कर दी है मैंने। मेरे डैडी ने मुझे बोला कि इफ यू गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। मैं भले मीडिया को बाइट देके 5 मिलियन 3 मिलियन व्यू दे दूंगा, मीडिया मेरी दोस्त है, पर वहां पे धंधा है और धंधे में शर्म नहीं रखने का। आपके हिसाब से कौन स्ट्रांग कंटेस्टेंट है यहां पे? देखो मेरे हिसाब से बानी ने सबको फेल कर दिया, मेरे हिसाब से वो मर्द की तरह खेल रही है। मनवीर भी अच्छा है, मनवीर मेरे को अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि मनवीर दिमाग से खेल रहा है। अब एक प्लेट पे आके देखो भाई, यहाँ पे सब लोग जीतने आए, कोई भी हारने नहीं आया, तो जीतना बहुत जरूरी है। और मैं दुआ करता हूँ मनवीर या बानी में से कोई जीते। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रूही चतुर्वेदी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्बम है। अगर आप देखेंगे तो रीना जी को ट्रेनिंग नहीं है, मतलब वो खुद से ही सीखे हैं, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि आवाज़ में इतनी मेडली है। और मैंने जो एल्बम इनके लिए शूट किया है वो है माही माही, विच इज़ लाइक अ रोमांटिक डुएट। आप देखेंगे तो उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुली गाया है, और शबाना जी और अमान जी ने उससे और भी ज़्यादा खूबसूरती से उसे कोरियोग्राफ किया है। सॉरी, मेरे साथ हैं शिवेंद्र ओम सैन्यल जी, जो मेरे साथ कंगना मूवी में थे। अभी आप उनको देखेंगे सीरियल जो कल ही उसका मुहूर्त हुआ, जिसका नाम है विद्रोही सन्यासी, जो रामदेव बाबा जी के गुरु जी के ऊपर है। हाँ, बीच में बंद हो गया था, और देखिए तो अचानक से सारी कंपनीज बना रही हैं, चाहे टी सीरीज हो चाहे वीनस हो, वापस एल्बम का दौर आ गया, विच आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है कि ये जैसे वैलेंटाइन आ रहा है और रोमांटिक सॉन्ग है, तो काफ़ी अच्छा करेगा मार्केट में टीनेजर्स के बीच में। मैंने एक मूवी की थी जिसका नाम है आलाप, जो आई थी 2012 में। अभी मेरी एक और हिंदी मूवी कंप्लीट हुई है जिसका नाम है हो जा जरा मतलबी, उसकी इनिशियल स्टेज अभी डबिंग चल रही है, सो मे बी इन कपल ऑफ मंथ्स वो आ जाएगी ऑन एयर। थैंक यू। माय नेम इज गुफी। अच्छा, मरहम, हमारी एल्बम का नाम मरहम है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया है म्यूज़िक। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मेरा काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, मुझे जब तक लिरिक्स अच्छा नहीं मिलता तब तक मैं ट्यून कंपोज नहीं करता हूँ।
मुझे लिरिक्स अच्छी मिलती है फिर मैं कंपोज करता हूँ. और इसी एल्बम के साथ भी ये भी यही हुआ कि हमें जैसे कि मेरे राइटर हैं शैलेंद्र शर्मा और ज़ुबैर शेख जिन्होंने गाने लिखे हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत गाने लिखे और मैंने उनको उस तरीके से ढालने की कोशिश की. मैंने बहुत खूबसूरती से उनको कंपोज करने की कोशिश की. फिर हमने एक सिंगर की तलाश थी हमको, तो जो मुझे यूनिक चाहिए थी और ये फीमेल एल्बम थी मेरी पूरी, तो मैंने फिर रीना जी के बारे में सुना. फिर रीना जी की वॉइस जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत ही यूनिक लगी वॉइस उनकी. उसके बाद मैंने रीना जी को अप्रोच किया और हम लोगों ने साथ में ये एल्बम किया. इस एल्बम में पूरी एल्बम ये सोलो एक तरह से कह सकते हैं आप सोलो एल्बम है ये. रीना जी ने टोटल 5 के 5 सॉन्ग्स रीना जी ने गाए हैं. इसमें एक रैप है, एक गाना है हमारा तेरी दीवानी, इसमें एक रैप है जो जेपी जी ने गाया है जो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं. एल्बम का नाम ही मरहम है तो जिस तरीके से जो टाइटल सॉन्ग है मरहम लगा जा दिल पर, वो बहुत ही रूहानी बहुत इमोशनल गाना है. और मरहम का नाम ही, मरहम का अर्थ ही यही होता है कि आपको वो सुकून पहुंचाए, तो गाना बहुत सुकून पहुंचाता है और बहुत मार्मिक है, बहुत टची है. आपको सुन के ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं जो गाने में गाया जा रहा है वो सच में वो उसके मायने हैं, सच में वो मीन करते हैं. क्योंकि कई बार होता है कि आप गाना सिर्फ सुनते हैं, एक कविता की तरह गाना गाया जाता है, सिर्फ बोला जाता है, उसको महसूस नहीं किया जाता. तो इसमें महसूस करके डॉक्टर रीना मेहता जी ने गाया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझे मेरी उनको, क्योंकि आज उनकी एल्बम इतनी बड़ी एल्बम लॉन्च हुई है और काफ़ी सारे गाने हैं उसमें. अभी एक गाना मैं सुन रहा हूँ जैसे ये हमारी इंटरव्यू चल रही है, तो सारे अलग अलग टाइप के गाने हैं. वर्सेटाइल सिंगर हैं और गोफी जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं उन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया है. शैलेंद्र ने बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, तो मेरी पूरे तहे दिल से उनको शुभकामनाएं. आपके काफ़ी अच्छे नंबर रहे हैं जो काफ़ी हिट रहे हैं, मार्केट में अच्छा बिजनेस किया है, आपका क्या चल रहा है आजकल? वही जद्दोजहद चल रही है कि गाने रिकॉर्डिंग में मैं बहुत सॉन्ग की रिकॉर्डिंग्स में बिजी रहता हूँ और बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं. और आने वाले साल में 2017 में आप ऊपर वाले की दुआ से इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप मेरा जो है वो गाने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में गाने आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में गाने आ रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी सुनेंगे. जैसे सुनेंगे जैसे ही रिलीज़ पे होंगे मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा. सॉरी हाँ जी, मेरे गानों की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो इस एल्बम के सारे गाने मैंने सुने नहीं है, बट जो मैंने टाइटल ट्रैक सुना है वो बहुत ही हार्ट टचिंग है, क्योंकि उसमें जो सेंटीमेंट दिखाया है कि एक आर्मी मैन है, देश का एक जवान है जो अभी अभी जिसकी शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन है, और उसको वो छोड़ के देश की रक्षा के लिए जा रहा है. और मरहम लगा जा दिल पर सुन ले ज़रा, एक पत्नी की पीड़ा है, एक पत्नी का रुदन है, एक उनकी एक फीलिंग है कि उनके पति के लिए कि अभी अभी शादी हुई है और उनका साथ चाहिए उनको, बट उनके साथ से भी सबसे सर्वोपरि जो चीज़ है वो है देश की रक्षा. और एक हर देश के जवान की ये सबसे बड़ी ड्यूटी होती है, सबसे बड़ा एक फ़र्ज़ होता है, कर्तव्य होता है, जो कि बखूबी उन्होंने दिखाया है वीडियो में. और बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है वीडियो को, और सॉन्ग भी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, और वीडियो भी बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा है, सेंटीमेंट्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं, कोई ओछापन नहीं है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, जो कि आज हम म्यूज़िक वीडियोज़ के नाम पर देखते हैं. सो मुझे बहुत खुशी हुई है ऐसे म्यूज़िक वीडियो को देख के. गुजरात में बहुत पतंगे उड़ाई जाती हैं, और गुजरात की बात है तो मैंने प्रेम रतन धनपायो में बहुत एक अच्छा गुजराती फोक गाना गाया था, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे राधा के अंगना, हालो रे 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 राधा के अंगना, हालो रे हालो रे हालो रे हालो है राधा को रंगना,
छुई मुई राधा रानी काना से शर्माए नख शिख आधे आधे पिया को दिखलाए तन मन कांपे राधा सिहर सिहर जाए आलो रे आलो रे आलो रे आलो रे जी मैं उन लोगों में से उन खुश नसीबों में से हूँ मैं समझता हूँ कि जिनका पहला ही गाना बॉलीवुड में जो ब्रेक मिला वो पहला ही गाना इतना पॉपुलर हुआ कि मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का गोगो गोविंदा जो गाना था ओ माय गॉड का 2012 में निकला था मेरा पहला गाना था वो प्रभु देवा सोनाक्षी ने डांस किया था उस पर परफॉर्म किया था तो वो गाना बहुत दिल के करीब है मेरे और सबसे बड़ा गाना मैं समझता हूँ क्योंकि सबसे पहला जो गाना होता है वो बहुत यादगार होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आप आगे किस तरीके से किस गली में जाएंगे और किस मोड में आप जो है वो आपको आगे की लाइफ के जो चीज़ें हैं वो डिसाइड होती हैं कि कैसे चीज़ें घटेंगी आपकी लाइफ में तो आई हैव बीन लकी एंड फॉर्चुनेट थैंक्स टू गॉड थैंक्स टू ऑलमाइटी दैट ही ब्लेस्ड मी विद द सॉन्ग विच वॉज कम्पोज बाई हिमेश रेशमिया सर आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम मैं अंतरे से शुरू करूंगा और मुखड़ा आऊंगा 11 12 13 बढ़ रहा 12 बढ़ेगा हमारा यार 11 12 13 एक 11 12 13 बढ़ रहा 12 बढ़ेगा हमारा यार देखो ना हमारे नैनों से करारे निकले हाय शरारा ओ तेरा ये नजारा लगे हमें कितना सतरंगी तेरा बड़ा चर्चा तेरा किस्सा सतरंगी चाहे दम निकले ये दम हा कसम तेरी कसम हा तुझे आज छोड़ेंगे ना हम ए अटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं तू आजमाबे है तो चांददारे हम चाहे दम निकले दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम गो 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 गोविंदा जी सारे मेरे जितने भी जानने वाले हैं या दोस्त हैं या सगे संबंधी हैं जन्माष्टमी आती है हर साल तो ये गाना जरूर बजता है बिल्कुल वो सेलिब्रेशन सॉन्ग है जो कि मैं समझता हूँ कि ताउम्र छप गया है अब सारे फेस्टिवल्स के लिए क्योंकि जब तक ये कायनात है जब तक ये दुनिया है जब तक ये त्यौहार है ये गाने ज़रूर बजेंगे और आप सबका प्यार है आशीर्वाद है कि ऐसे गाने मिलना आसान नहीं होता है किसी नए सिंगर को तो जब मुझे मिला तो मैंने पूरे बखूबी निभाया मैं उस एकदम उस फील में डूबा और मुझे लगा कि ये गाना अगर कोई एक रस्ते का गोविंदा जो कि मटकी फोड़ता है वो गाएगा तो कैसे गाएगा तो मैंने यही फील समझ के गाया और आप लोगों के सामने है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं उस गाने को और हर साल हर फेस्टिवल पे बजता है तो बहुत बहुत शुक्रिया